फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव में सपा बसपा गठबंधन ने अपनी अग्नि परीक्षा पास की है, तो कैराना में बारी आरएलडी और उसके मुखिया चौधरी अजीत सिंह की थी। वहीं आरएलडी जो पहले लोकसभा और फिर विधानसभा उपचुनाव में पिटने के बाद पूरी तरह हाशिए पर चली गई थी। कैराना लोकसभा उपचुनाव में पार्टी ने अपने मूल वोट बैंक जाट समुदाय को बीजेपी खेमे से वापस लाकर अपनी सियासत को संजीवनी दे दी है। इस जीत से चौधरी अजीत सिंह का कद बढ़ा है और अब वो 2019 के लिए प्रस्तावित महागठबंधन में सीटों के लिए मोल भाव करने की स्थिति में आ गए हैं। कैराना लोकसभा सीट पर आरएलडी से विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार तबस्सुम हसन, बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह पर भारी पड़ी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के नेतृत्व वाली आरएलडी का गढ़ हुआ करता था। इस इलाके के जाट और मुस्लिम वोटों को एकजुट करके अजीत सिंह कई बार सत्ता का स्वाद चखा चुके हैं, लेकिन जब से इस गठजोड़ में दरार पड़ी तब से आरएलडी के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।